दिसी क्रॉसल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो ये आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 40, और जैसा कि डेली अपनी क्लास होती है शाम को, उसमें हम ऑब्जेक्टिव ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए होते हैं ना, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज अपनी पहली क्लास हो रही है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पर, और इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास जो आज के सेंटेंस हैं वो देखें। तो पहले बता देते हैं कि इस पीडीएफ में क्लास में आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाई, हाउ मैनी एंड हाउ मच, इनसे क्वेश्चंस कैसे बनाएं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, कब सेंटेंस में हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे और कब हम सेंटेंस में हाउ मच का प्रयोग करेंगे, कब हम क्वेश्चंस को वाई से बनाएंगे, और हमें यदि क्वेश्चन वाई से है तो उसका आंसर हमें किस तरह से देना होगा, इस बारे में भी समझेंगे। दूसरे जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हैं वाई क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस वाई से होंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आंसर भी मिलेंगे। तो ये समझना है कि जब आंसर दिया जाए तो हम कब वो सेंटेंस वाई से क्वेश्चन बनाएं। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस पीडीएफ में हम पढ़ेंगे एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें, किस तरह हम सेंटेंस में एडवर्ब को फिलअप करेंगे, साथ ही साथ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव, एडवर्ब, WH वर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी, हाउ मच एंड क्वेश्चंस ऑफ वाई, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1 एंड तो सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 डैश डिड द फर्स्ट मैन वॉक ऑन द मून। यहाँ पर बताना है कि WH वर्ड व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाट में से हम कौन सा राइट WH वर्ड फिल करेंगे सेंटेंस नंबर 1 में। तो यहाँ पर आंसर देखें तो आंसर में लिखा हुआ है इन 1969। 1969 क्या है? तो 1969 है आपका टाइम। जब आंसर आपका टाइम, आंसर में टाइम दिया हो तो क्वेश्चन आपको किससे बनाना है, तो ध्यान रहे जब क्वेश्चन हम व्हेन से पूछेंगे तो आंसर में बताते हैं टाइम, यदि क्वेश्चन वेयर से होगा तो आंसर में हमें देना होता है प्लेस, यदि क्वेश्चन हु से होगा तो हमें आंसर में बताना है किसी पर्सन के बारे में, यदि क्वेश्चन व्हाट से है तो हमें आंसर में बताना है एक ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? ये सारे पॉइंट याद रहे, क्वेश्चन कौन से WH वर्ड से है तो आंसर में आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है आपका समय, जब ये समय दिया है तो ऑप्शन 1 आपका राइट होगा, और यहाँ पर हमें प्रयोग करना है WH वर्ड व्हेन, ये आपका राइट आंसर होगा सेंटेंस 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस 2 में है डैश डिड सी मैरी, क्वेश्चन है तो आंसर है सी मैरिड टू जॉन। अब बताइए क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा यूज करेंगे, व्हाट, हु, विच या फिर व्हाई। तो ध्यान से देखें आंसर में आपका सब्जेक्ट है सी, तो सी सब्जेक्ट है, मैरी वर्ब है, मैरी है, लेकिन अब आपको क्या मिला यहाँ पर, एक पर्सन, यहाँ पर क्या मिला हमें पर्सन। जब पर्सन आंसर में पर्सन दिया हुआ है तो क्वेश्चन हमें किससे बनाना है, व्हाट से बनाएंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट लिखना है, यदि क्वेश्चन हु से होगा तो हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताना है, पर्सन के बारे में बताना है, यदि क्वेश्चन विच से है तो हमें आंसर में थिंग बताना है, एंड क्वेश्चन वाई से होगा तो हमें आंसर में रीजन बताना है। क्लियर है? तो आंसर में क्या है, जॉन, यानी कि पर्सन। तो क्वेश्चन हमें यहाँ किससे बनाना है, हु। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे तो हु आपका नॉमिनेटिव केस होता है, हु क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, लेकिन मैं बता दूं कि हु आपका नॉमिनेटिव केस भी है और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हु, लेकिन हु एज एन ऑब्जेक्टिव केस की तरह भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हु इज इक्वल टू हुम है आपका, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 3 देखें, अ डैश डॉग, सिंपल सा आपको एडजेक्टिव फिल करना है, करेक्ट एडजेक्टिव क्या होगा, ऑप्शन ए है बिगर देन, ऑप्शन बी है बिग, सी है बिगेस्ट एंड द बिगेस्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें देखें। डॉग आपका क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया, बिगर, बिगर देन, अब बिगर से पहले आपको आर्टिकल ए एन नहीं लगाना है,
बिग आपका क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव है, बिगर है आपकी कंपरेटिव एंड बिगेस्ट है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करना है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। यहाँ पर द आर्टिकल लगा हुआ है तो ए और द दोनों नहीं आएंगे। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन बी यानी आ बिग डॉग करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस थ्री में। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस फोर, एंड सेंटेंस नंबर फोर में है यहाँ पर ए डैश ड्राइवर। यहाँ पर भी हमें यूज करना है एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन है केयर, सेकेंड है केयरफुल, थर्ड ऑप्शन है केयरफुली एंड द केयरफुल। तो ध्यान दो, केयर, केयर क्या है आपका, केयर में आपका लगा हुआ है एफ यू एल, तो जब भी सफिक्स एफ यू एल लगा हो सेंटेंस में तो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा। सामान्यतः हम एडजेक्टिव में लगा देते हैं एल वाई तो ये आपका क्या बनेगा, तो बन जाएगा ये एडवर्ब। लेकिन यहाँ पर है ड्राइवर, ड्राइवर है नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव। करेक्ट यूज करना है हमें एडजेक्टिव, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है और यहाँ पर लिखना है आपको केयरफुल। क्लियर है ना, ऑप्शन बी। केयरफुली क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि केयरफुली है आपका एडवर्ब और एडवर्ब किसकी विशेषता बताते हैं, या तो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे या किसी एडवर्ब की विशेषता बताएंगे या किसी वर्ब की विशेषता बताएंगे, इन तीनों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाएंगे एडवर्ब। तो केयरफुली एडवर्ब है और पॉजिटिव डिग्री केयर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, सुपरलेटिव से पहले होता है। क्लियर हो गया ना, ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट है सेंटेंस फाइव, सी रेन फुल स्टॉप है क्विक, क्विकर, क्विकली या द क्विकली, कौन सा ऑप्शन लगाएं। ध्यान दें, सी आपका सब्जेक्ट, ठीक, रेन आपकी क्या है, रेन है आपकी वर्ब, वर्ब को भी विशेषता बता रहा है यहाँ पर। क्विक क्या है, क्विक है एडजेक्टिव यानी जल्दी, एडजेक्टिव किसी विशेषता बताते हैं, तो एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं किसी नाउन की या फिर प्रोनाउन की। लेकिन यहाँ पर विशेषता वह है दौड़ी, कैसे दौड़ी, जल्दी दौड़ी, क्विक दौड़ी। अब क्विक दौड़ी का मतलब कि वो वर्ब की विशेषता बता रहा है ना। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको क्विकली। क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो क्विकली वर्ड आपका कर रहा है रेन को, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्विकली वर्ड। हो गया ना राइट आंसर, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर है आपका सी करेक्ट। इसके अलावा ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा है ना, और क्विकर एडजेक्टिव है कंपरेटिव डिग्री में। इसके आगे बात करते हैं, ऑप्शन सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ही ड्राइव्स टू, टू फास्टली होगा, टू फास्ट होगा, टू फास्टर होगा या फिर होगा टू फास्टेस्ट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखें तो ही ड्राइव्स, ही ड्राइव्स मतलब वह चलाता है, कैसे चलाता है, बहुत ही फास्ट। अब जो फास्ट वर्ड है आपका, सामान्यतः ये एडजेक्टिव होता है ना, जैसे हमने रहा कि ही इज फास्ट, या सेंटेंस ये लिखा हमने ही इज फास्ट, वह तेज है, तो वह तेज है, तो फास्ट कौन है, फास्ट है ही। ही क्या है आपका, तो ही है आपका प्रोनाउन, तो ऐसा शब्द जो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव कहलाएगा, ऐसा शब्द जो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव का एडवर्ब कैसे बना है, तो ध्यान रहे कि फास्ट आपका एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट आपका एडवर्ब भी होगा, दोनों हो गए। आप सोचें कि फास्ट में हम एल वाई लगा के इसको एडवर्ब बना दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, दोनों सेम है, डिपेंड करेगा कि वहाँ पर फास्ट एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है या एडवर्ब का कार्य कर रहा है, वो सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करेगा। यहाँ फास्ट क्या है, यहाँ फास्ट है ड्राइव, तो ड्राइव क्या है आपकी, वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता जो बता रहा है वो एडवर्ब। यहाँ पर मैंने बोला था कि ही इज फास्ट, तो यहाँ फास्ट कौन है, ही क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन की विशेषता जो बता रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव। तो वर्ड सेम है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। इसके आगे देखें, नेक्स्ट है सेंटेंस अपना सेवन, सेंटेंस सेवन की बात करें, नेक्स्ट है सेंटेंस सेवन, व्हाट इज द स्टोरी, फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ, सेकंड है ऑन, थर्ड है एट
एंड अबाउट, यानी कि क्वेश्चन है कि स्टोरी किसके बारे में है। अब देखो यहाँ पर किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रपोजिशन आपका यूज होना है यहाँ पर अबाउट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा राइट? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस है 8, और सेंटेंस 8 में है, सेंटेंस 8 में व्हाट हैपन्ड टू द एंड ऑफ द स्टोरी, डैश द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी की एंड में क्या हुआ। अब यहाँ पर आपका फ्रेज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका ये फ्रेज लिखा हुआ है द एंड। ध्यान से देखें, द एंड एंड द एंड ऑफ, ध्यान रहे दोनों में डिफरेंस है, और दोनों के साथ डिफरेंट ही प्रपोजिशंस का प्रयोग करेंगे हम। कैसे? यदि हम लिखें, यदि ओनली द एंड लगा हुआ है, इसका मतलब होता है फाइनली। द एंड मीन्स क्या होता है? आपका फाइनली होगा। ठीक है, एंड द एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंत में, जैसे यहाँ पर है द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इससे पहले जो फिफ्थ प्रपोजिशन यूज होता है, ये यूज किया जाता है एट। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? यहाँ यूज करेंगे एट, कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये होगा सेंटेंस 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, सेंटेंस 9 है, द ट्रेन ट्रेन लीव्स डैश प्लेटफॉर्म 9। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है? नाउन, नाउन के बाद है यहाँ पर नंबर यानी संख्या। जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगी नाउन प्लस नंबर, तो नाउन प्लस नंबर्स यह डेफिनेट तो है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है, ना ए लगाना है, ना एन लगाना है, ना दा लगाना, बेशक वो डेफिनेट है, ध्यान रहे, कोई भी हो, जैसे साइज 9, रूम 9 एट्सेट्रा। अब बात करें कि यहाँ पर प्रपोजिशन कौन सा यूज, मान लो यह प्लेटफॉर्म है ऑफ, एट, फ्रॉम या फिर फोर, कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे? तो ध्यान दें कि प्लेटफॉर्म 9 है, यहाँ से लीव हो रही है, तो यहाँ से क्या होगी? वो दूर होगी। जब किसी स्थान से कोई चीज़ दूर होती है ना, तो वहाँ पर आपको प्रपोजिशन प्रयोग करना होता है फ्रॉम। तो यहाँ आपका फ्रॉम का यूज होगा सेंटेंस 9 में, ये यूज करेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 10, डिड यू बाई योर न्यू जैकेट। अब आंसर क्या है? एट सुपर मार्केट, एंड यहाँ पर आपका आंसर वो बोल रहा है कि कहाँ से खरीदी है, तो वो खरीदी है सुपर मार्केट से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंसर देखते हैं यहाँ पर कि राइट आंसर सेंटेंस 10 में क्या है। तो सुपर मार्केट से खरीदी है, सुपर मार्केट क्या है आपका? सुपर मार्केट है प्लेस। स्टार्टिंग में ये दो सेंटेंस आए थे जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आंसर में जब प्लेस दिया होगा तो क्वेश्चन किससे बनाएंगे? व्हाट से हम क्या बताएंगे? एक ऑब्जेक्ट बताएंगे, यानी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है योर न्यू जैकेट। यदि क्वेश्चन वेयर से हो रहा तो आंसर में क्या बताते हैं? हम प्लेस बताते हैं। क्वेश्चन व्हेन से हो रहा तो आंसर में क्या बताएंगे? तो आंसर में टाइम बताएंगे। और क्वेश्चन हाउ से हो रहा तो आंसर में हमें क्या बताना होगा? तो आंसर में बताना होगा मैनर, किसी कार्य को करने का तरीका कैसा है। ये तो यहाँ पर आप क्या यूज करने वाले हैं? यहाँ पर हम यूज करेंगे फिर डब्ल्यू एच वर्ड वेयर, क्योंकि वेयर के माध्यम से बताएंगे हम प्लेस। तो वेयर डिड यू बाई दिस न्यू जैकेट, आपने ये है नई जैकेट कहाँ से खरीदी? तो ये खरीदी है सुपर मार्केट से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 10 में। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर, नीचे कमेंट जरूर करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब एंड प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लें। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, इस बारे में भी कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।